हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब, क्या हाल है अपने? तो आज भाई बहुत ज्यादा खुशी का मौका है मेरे लिए, तो क्योंकि आज है 26 अप्रैल और मेरे छोटे भाई की फ्लाइट है भाई कनाडा की। आज एक्चुअली उसकी फ्लाइट तो है कल सुबह 4 बजे की 27 की, लेकिन आज शाम को एयरपोर्ट पे जाना है। यूं मान लो 11-12 बजे पहुंचना है एयरपोर्ट पे, क्योंकि उससे पहले एंट्री करवानी पड़ती है ना। तो भाई बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका है और ये व्लॉग मेरा टोटली मैं यूं दिखाऊंगा भाई, क्या अपना प्रोसेस रहता है वहां पे जाने का और वहां पे जाके क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ आपको मैं इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, तो एंजॉय। भाई टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और अभी भाई को लेके आए हैं सैलून, क्योंकि भाई को बाल सेट करवाने थे, कटवा तो आया था ये, तो लास्ट टाइम पे होता है ना भाई के सेट करवाने, कनाडा जाना है, खड़े करवाने हैं, तो इसलिए भाई को सैलून लेके आए थे, भाई को बाल सेट करवाने थे। तो हाउसफुल भाई का चल रहा है ट्रीटमेंट। ये हो गया भाई, भाई की कटिंग सेट है, इधर से इसने थोड़ा सा गड़बड़ कटवाए थे, बाकी कुल मिला के इधर करिए भाई, मुंह कुल मिला के बढ़िया लुक लग रहा है, कोई नहीं। और अभी इसके करवाते हैं कपड़े चेंज, बढ़िया लुक देते हैं इसको। तो फिर चलो अभी सीधा एयरपोर्ट पे। टाइम हो गया 11:30 और उज्जवल भाई पूरा रेडी हो चुका है, तो अभी भाई का पिक सेशन भी हो गया है और टीकाकरण रह रहा है, भाई का टीकाकरण करते हैं और फिर भाई को छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट पे। और शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो फिर लाएंगे साथ ही में दही शक्कर। भाई के सारे काम हो गए हैं और अभी घर से निकल रहे हैं, तो पूजा जरूरी है, तो भाई जी कर रहे हैं अपने जो इनके कोई देवता है उनको प्रणाम। भाई सबसे जरूरी काम है ये, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। हेलो उज्जवल भैया। हेलो भाई, ये है घर से बाहर निकलते हुए भीड़, गाड़ी 3 से 4 तो निकल चुकी है बाहर और ये निकलने लग रही हैं, मतलब क्राउड पूरा है भाई को छोड़ने का, सब में उत्साह भी पूरा है और भाई अभी मिल रहा है अपने नेबर से। उज्जवल भैया भाई चलो अब चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। हाँ एयरपोर्ट पे दिखाते हैं अभी, सारे बैग वगैरह डाल लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए जी। हेलो करो भाई, हेलो नहीं करना। हेलो ये किसके लिए है? ये हो गया भाई उज्जवल, अपना गाड़ी में बैठ गया है। चलो भैया बाय कर दो, मिलते हैं एयरपोर्ट पे। उज्जवल भैया बाय कर दो सबको, बाय बाय, मिलते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है? बच्चा इमोशनल हो गया। अरे बस बस भाई, उज्जवल बैठा दिया गाड़ी में और अभी हम बैठ चुके हैं और जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो वहां का दिखाते हैं क्या कुछ सीन रहने वाला है। हम एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे और अभी अपना भाई मिल रहा है, पीछे से आ रहा है वो। ये भाई हम पहुंच गए हैं IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे और वो आ गए हैं उधर, भाई भाई को छोड़ के आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, भाई का बैग हो गया और भाई पूरा चाम है। चा 2 मिनट में भी खिंड तान देगा ना ना फिर उन्होंने को नहीं। ये देखो भाई अपने एयरपोर्ट का क्राउड, कनाडा वाले की मम्मी, ये कनाडा वाले भैया की मम्मी। ओके ये कनाडा वाले भैया की दीदी।
इस गेट से जाएगा भाई, भाई गेट नंबर 7 से अंदर। इसका मेरा क्या काम है इतने का, नहीं बस ऐसे सोने के 100 रुपए दे दो। एक्सचेंज करवाने के पैसे लगे वहाँ पे। आशीर्वाद तो सदा के लिए रहेगा। भाई का सामान लोड हो रहा है ट्रॉली पे। ओह भाई के अंदर जाने की तैयारी हो रही है, तो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह संभाले जा रहे हैं। ये अपने अंकल जी, भाई के पापा ये वाले, और भाई की चल रही तैयारी, तभी तो भी आपको से देख रहे हैं। ये अपनी छोटी, हेलो, इसको मिल गया अपने खाने पीने का, इसको और कुछ नहीं चाहिए अभी। भाई डॉक्यूमेंट भाई 1 महीने पहले लगे थे पैकिंग करने, अभी भी नहीं हुई है, अभी भी काम चल ही रहा है, इसमें कुछ पैक हो रहा है। जा रहे हैं अभी, भाई के व्लॉग आएंगे कनाडा से। भाई गया अभी अंदर, और अभी सोच रहे हैं कुछ टाइम रुके और फिर जाएं घर, क्योंकि 4 बजे फ्लाइट है। भाई यहाँ का हो गया सारा डन, अपना भाई गया अंदर और अभी हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि हम हो या ना हो यहाँ बराबर है, क्योंकि वो तो अंदर गया, मिल तो सकते नहीं है, और अगर उसे बाहर खड़े दिखेंगे तो ज़्यादा इमोशनल होगा। बाकी देख लड़का रोया नहीं है, हड़का सा भी, आंटी जी तो इमोशनल हो गए थे, और उसको अंदर जाने के बाद कॉल पर बात करी, सब कुछ फिट है। और अभी जाना है जल्दी, क्योंकि एक टोइंग वैन वाले आ रहे हैं ना, ये टो कर लेंगे, और फिर चक्कर बहुत काटने पड़ेंगे इनके पीछे, इसलिए चलते हैं यहाँ से। मैं दिखाता हूँ आपको सीन यहाँ पे एयरपोर्ट का, ये है पूरा, ये पार्किंग है, ये लेन वन, आगे लेन ये वाली। हाँ जी, तो अभी टाइम हो गया 4:30 और डेट आज 27 अप्रैल, और खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि अपना भाई प्लेन में बढ़िया तरीके से बैठ चुका है, प्लेन टेक ऑफ भी कर चुका है, और यूँ मान लो दिल को तसल्ली हो गया, शांति हो गया हर बात।